पंजाब में मान मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। तुरंत ही मान सरकार एक्शन में भी नजर आई और 25,000 नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया। फैसले पंजाब में हो रहे हैं, लेकिन इस एक्शन के जरिए केजरीवाल की निगाहें आने वाले गुजरात चुनाव पर लगातार लगी हुई है। मैं लालजीत सिंह भुल्लर ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इधर 10 मंत्रियों को शपथ दिलाने का दहला फेंका और उधर 25,000 नौकरियों का इक्का भी पहली कैबिनेट बैठक में फेंक दिया। पंजाब की सत्ता से आम आदमी पार्टी पूरे देश को मैसेज देना चाहती है। कुल 25,000 नौकरियों के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश, 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती से सुरक्षा का भरोसा, 23 मार्च से हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संदेश। इससे पहले भगत सिंह के गांव में भगवंत मान ने शपथ लेकर राष्ट्रवाद का संदेश दिया। अब जनता की सरकार की छवि को आज आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उभारेंगे। आज केजरीवाल पंजाब में नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल संबोधित करेंगे। भाषण विधायकों को होगा, लेकिन निशाना देश की राजनीति पर होगा। भगवंत मान की अगुवाई में 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण से भी सीधा संदेश आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। इस शपथ ग्रहण में केजरीवाल या दिल्ली सरकार को कोई मंत्री शामिल नहीं था। यहां तक कि पंजाब चुनाव के प्रभारी जरनैल सिंह और पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा भी इसमें शामिल नहीं हुए। ये साफ संकेत था कि पंजाब में भगवंत मान को फ्री हैंड दिया गया है। जो फैसले आज तक पंजाब में नहीं ले गए वो आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए लेगी। मान साहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया है, सीएम अनाउंस करके लड़ा गया है, मान साहब को फ्री हैंड है, वही अभी पंजाब को चलाएंगे। दिल्ली का दखल सरकार चलाने में कम रहने वाला है। मान के मंत्रिमंडल में 2 डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें आंखों की डॉक्टर बलजीत कौर शामिल हैं, जो पहली बार लड़ी, जीती और मंत्री बनी। बहुत बड़ा दिन है मेरी जिंदगी का, कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकती हूँ। पार्टी के भी यही पॉलिसीज रही हैं कि काम नहीं छोड़ना, काम के प्रति वफादारी रखनी है। मेरा खुद का भी यही शुरू से ही एम रहा है कि अपना काम जो है मैं लगातार करती रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो एज ए डॉक्टर भी मैं काम करती रहूँगी। साथ ही 2 वकील, 1 इंजीनियर, 1 पूर्व अधिकारी और 2 किसान शामिल हैं, जो पंजाब के लिए सीधा संदेश है। दरअसल इन सारे फैसलों से पंजाब की जनता को तो संदेश दिया ही गया है, लेकिन बाकी राज्यों में एंट्री का रास्ता खोलने की तैयारी है। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। 2 अप्रैल को अहमदाबाद में आप रोड शो करने जा रही है। इस रोड शो में केजरीवाल और मान साथ रहेंगे। दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब में जमीन बनी और अब पंजाब के जरिए आप पूरे देश में फैलना चाहती है, और यही वजह है कि आप हर फैसले से संदेश दे रही है। ABP News आपको रखे आगे।